आज चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ टूटी फ्रूटी कस्टर्ड इडली केक रेसिपी। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाएंगे एंड आपको खा कर मज़ा आ जाएगा, एकदम सॉफ्ट मुलायम एंड खाते ही आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो बस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉल में ऐड कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच इतना दही। खट्टी दही का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, फ्रेश दही का यूज़ करना। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून इतना रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे आपको मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करना है, मतलब कोई आप न्यूट्रल फ्लेवर का यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लेना। और साथ में ये ऐड कर रही हूँ 1/3 कप चीनी। एंड आप मिठास अपने हिसाब से रख सकती हूँ। एंड सेम क्वान्टिटी में दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको लुक बॉम ऐड करना, मतलब हल्का गुनगुना दूध का यूज़ करना। और साथ में 1 टेस्पून ऐड करूँ विनेगर। इससे हमारा जो केक है बहुत स्पंजी तैयार होगा। तो बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिलहाल साइड में रखेंगे। एंड नेक्स्ट एक दूसरा बॉल में मैं यहाँ पर स्टेनर लगा रही हूँ और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप इतना मैदा। आप यहाँ पर बीट फ्लोर का भी यूज़ कर सकती हो। और साथ में ऐड करी हूँ 2 पिंच इतना नमक, ज़रूर से ऐड करना। और साथ में ही 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट ऐड करना। और साथ में ऐड करी 1/3 कप इतना कस्टर्ड पाउडर। आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हो, मैंने यहाँ पर वनीला यूज़ किया है। एंड सेम क्वान्टिटी में ऐड करेंगे यहाँ पर मिल्क पाउडर। आप चाहो तो मिल्क पाउडर को स्किप कर सकती हो। एंड बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड साथ में मैं यहाँ पर 2 चम्मच के आसपास ग्रीन टूटी फ्रूटी और 2 चम्मच के आसपास रेड टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे एंड स्टेन कर लेंगे। तो चलिए हमारा जो गीला वाला मटेरियल था उसमें हम ये ड्राई मटेरियल को ऐड करेंगे एंड एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। एंड ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। तो मैंने वापस यहाँ पर 1/3 कप इतना दूध ऐड किया है। तो चलिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है एंड जो टूटी फ्रूटी है उसे हम यहाँ पर ऐड करके एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर इडली के फ्रेम को अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ। एंड जो बैटर उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे और ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे टूटी फ्रूटी। एंड जो हमारे इडली फ्रेम है यहाँ पर उसे हम ऐड कर देंगे सारे प्लेट को एंड पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए हमारा जो इडली है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसे हम किसी स्पून की मदद से निकाल लेंगे एंड बिल्कुल परफेक्ट एकदम सॉफ्ट तैयार हुआ। तो आप एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करना एंड आपकी रेसिपी कैसी बनी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। एंड रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। एंड अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।